सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस जॉब अपडेट्स। सो बात करेंगे अग्निवीर की, जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है इंडियन एयरफोर्स की, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और इसकी जो नोटिफिकेशन है लाइक रिलीज हो चुकी है, और इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है अपने 17 जनवरी से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे मैंशन किया है। और इसकी जो नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पे देखिए, 17 जनवरी आपकी डेट ऑफ स्टार्ट एप्लीकेशन है, उसके बाद 6 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और एग्जामिनेशन रहेगी आपकी 17 मार्च को। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पहली बात, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात ये कि इसके लिए एज क्राइटेरिया है, ये है आपकी 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो 21 ईयर्स से नीचे होना चाहिए, बहुत सिंपल में। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड होने चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लाइक 12th पास है अगर आप, जिसमें आपके मैथ फिजिक्स और इंग्लिश है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है 3 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट देखिए, हाइट है 152 फॉर मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 152 है। एक्सेप्शनल जो है वो नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड के जो लड़के हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर रखी गई है, और साथ ही साथ लक्षद्वीप के लिए भी। ओके, लक्षद्वीप के लिए क्या है, 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपांड करनी होगी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करनी होगी। अब ठीक है, अब बात करते हैं आपकी लाइक एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। उससे पहले मैं पेमेंट बता देता हूँ, पेमेंट में क्या रहेगा। पेमेंट में मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूँ तो 4 ईयर्स का पर टेन्योर रहेगा, राइट। 4 ईयर्स के टेन्योर में आपको फर्स्ट ईयर में इनिशियल सैलरी रहेगी 21,000, सेकेंड ईयर में होगी 23,000, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में होगी 25,000, और फोर्थ ईयर में 28,000। ओवरऑल सैलरी आपकी 30,000 से ऊपर रहेगी, और लास्ट ईयर में 40,000 रहेगी। आपको ओवरऑल जो कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको ओवरऑल जो पैसा मिलेगा वो लगेगा 5 लाख 4 साल का, ठीक है, 5 लाख 4 साल का। और उसके बाद अगर आपको लाइक रिटायरमेंट रिटायरमेंट अगर आप होते हो तो आपको मिलेगा 10 लाख रुपए ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन प्रोसीजर की तो इसमें बेसिकली 3 फेज है। पहला जो फेज रहेगा ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट में आपके 3 एग्जामिनेशन रहेंगे, साइंस सब्जेक्ट के लिए रहेगी और एक अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए रहेगी, और जनरल अवेयरनेस के लिए रहेगी। तो टोटल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 85 आपकी जो है जनरल रीजनिंग के लिए है, 45 आपके जनरल रीजनिंग और इंग्लिश पकड़ के ले लो आप, ठीक है। ओवरऑल अगर आप करो 85 आपके 85 मिनट्स की टोटल एग्जामिनेशन रहेगी, जिसमें लाइक आपको जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ऑल कैंडिडेट्स नीड टू क्वालिफाई ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है, चाहे वो जनरल जनरल अवेयरनेस का हो, इंग्लिश का हो, या फिर साइंस सब्जेक्ट हो, वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी ईच पेपर। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपके ईमेल पे। ईमेल पे किसका मिलेगा, फेज टू के लिए मिलेगा। अब फेज टू में क्या होगा, फेज टू में होगा लाइक जनरल आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, अदर एक्टिविटीज क्या है आपकी। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा विदिन 7 मिनट्स, और फीमेल के लिए 8 मिनट्स दिया है। बाद में 3 जो स्टेप है वो है आपके पुशअप, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स। उसके लिए आपके 1 1 मिनट का टाइम रहेगा, लाइक रनिंग होने के बाद 10 मिनट में ये स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सेम है, 10 सिटअप्स आपको करने पड़ेंगे 1 मिनट 30 सेकंड में, 15 स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, जो कि थर्ड फेज रहेगा। थर्ड फेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लाइक जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसके हिसाब से वो मेडिकल टेस्ट करेंगे। अब उसके बाद आपका लाइक एनरोलमेंट होगा, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए आप लिंक दे रखी है अग्निपथ वायु CDSE.in। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक कुछ चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी, जैसे कि 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 10+2 का मार्क्स सर्टिफिकेट, उसके बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रहेगी वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ठीक है। साथ
साथ ही साथ कैंडिडेट का हैंड थंब भी डालना पड़ेगा, उसके बाद सिग्नेचर की इमेज डालनी पड़ेगी, और लाइक पेरेंट और मदर का कोई सिग्नेचर हो तो वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फी की बात करूँ तो 550 रुपीज़ रहेंगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओके। और लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आई गेस यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है फीस के लिए, सबके लिए सेम ही है। अगर मैं बात करूँ इसमें और कुछ खास तो है नहीं बाकी बताने के लिए आई गेस, तो मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, और अगर इसमें कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।